ध्यान क्या करते थे मुझे पता नहीं बट वो ध्यान मंदिर में तो बैठते थे किताब पढ़ते थे पूजा पाठ करते थे ये सारा चलता था हम भी वैसे घर में जो भी हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी हैं हाँ रिचुअल्स है, है, हा, है ट्रेडिशन के अनुसार तो वो होते थे पाठ पूजा करते थे जनरल सब इट्स नॉर्मल फैमिली लाइक एनी हिंदू फैमिली जैसा नॉर्मल हिंदू घरों में होता है हर चीज़ हम अच्छा सा फॉलो करते थे बट उसमें मैं ये खोजने को कोशिश करता था हम क्यों करते थे इसमें से हम क्या पाना चाहते हैं क्या सीखना चाहते हैं, वो ट्रेडिशन क्यों है उस ट्रेडिशन के का पीछे कारण क्या है क्योंकि कोई ना कोई तो उसको क्रिएट किया वो क्रिएट क्यों किया होगा इसको नमस्कार दोस्तों पी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है आज हम फिर से मिलेंगे श्री नागेश नलम जी से और उनकी आगे की यात्रा को और अच्छे तरीके से सुनेंगे तो स्वागत करते हैं नागेश जी का स्वागत, स्वागत है नागेश जी आपका हमारे इस शो में थैंक यू मैम थैंक यू फॉर कॉलिंग नागेश जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आत्मा है उसकी रियलाइजेशन उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है सुनते तो हैं हम कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है पर उसका अनुभव किए बिना हम कैसे समझ पाएंगे तो ये जानना चाहते हैं थैंक यू मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड इनफैक्ट uh, हम सबका जो जर्नी है उसी के लिए है इस धरती में उसी पॉइंट के लिए हम है कि हम आत्मा है आत्मा बन के रहे आत्मा जैसा बिहेव करे आत्मा बनकर ही जो भी करना है करे वही मकसद है और सारे किताबों में यही लिखा है ऐसा नहीं कि उसके अलावा और कुछ लिखा है सारे महापुरुष वही लिखा है उन्होंने जो अनुभव किया आत्म तत्व को उन्होंने अपने शब्दों में उसको जाहिर किया Unfortunately, क्या होता है जब अनंत व्यापी जो आत्मा है उसके बारे में अगर आप शब्दों में लिखोगे वो अनंत को शब्दों में बांध नहीं सकोगे इसलिए उसका संपूर्ण तत्व शब्दों से हमें पता नहीं चलेगा किताबों से पता नहीं चलेगा वो एक इंडिकेटर हो सकता है एक जस्ट एक इंडिकेटर हो सकता है बट आपको अनुभव करना है इसका मतलब भी नहीं कि वो किताबों में लिखा वो गलत नहीं सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है तो हमें कैसा प्राप्त करना है वो कॉन्शियसनेस का वो आत्मज्ञान का अनुभव कैसा करना यही तो मेन क्वेश्चन है अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे ना अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में है सेकंड क्लास में उसका जितना बुद्धि है जितना उसका टूल्स है जितना उतना है उसी के साथ उसको आगे बढ़ना है तभी तो उसको अगला पड़ाव पे जा सकता है वैसा ही हम ये सोल जर्नी में आत्मा का जर्नी इस धरती पे करना शुरू करते हैं हमारे पास कुछ टूल्स दिया गया है कुछ साधना दिए हुए हम उसी साधनाओं से आगे बढ़ना है उसके अलावा कोई कोई तरीका नहीं है एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं आपको अगर आपको यहां से हैदराबाद जाना है आप कैसे जाओगे आपके पास क्या क्या साधना है एक तो पैदल जा सकते हो एक ट्रेन पे भी जा सकते हो एक फ्लाइट पर भी जा सकते हो घोड़े पर भी जा सकते हो यही आपका साधना है अब आप देख पाओगे कि आपके पास है क्या है अगर आपके पास फ्लाइट में जाने का पैसा, पैसा, पैसा है एनर्जी है तो उस माध्यम से जाओगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ लोग क्या करते पैदल ही चलते जा सकते पुराने जमाने में तो वही तो करते थे तो हमें ये देखना है अभी मैं उस चेतना अवस्था के पास जाना है जिसके बारे में मुझे बस उसके बारे में थोड़ा सा सुना हुआ कुछ शब्द है, मैं हूं, मैं मानता बिलीव करता हूँ उन चीजों के ऊपर बट अभी मेरा संपूर्ण अनुभव नहीं है, हैदराबाद के बारे में सुना है बट उसका संपूर्ण अनुभव नहीं है इसलिए मगर उधर जाना है तो उसी स्थिति में अगर मेरे को आत्मा को अनुभव करना है तो क्या करूंगा मेरे पास अभी जो जो साधना है, से तो जाना पड़ेगा जिसके पास एयर टिकट का सामर्थ्य नहीं है अगर उसको बोलेगे आप टिकट ले लो उधर चले जाओ, वो तो बेटर रहेगा जा नहीं पाएगा जा नहीं पाएगा तो हमें ये देखना है इस सोल जर्नी में हम क्या क्या लेकर आए हैं इसमें बहुत ही यू नो एक अनोखा चीज है सारे सोल्स सेम संपत्ति के साथ आए जैसे मेरे पास भी बॉडी है आपके पास भी बॉडी है आपके पास भी मन है मेरे पास भी मन है आपके पास भी विचक्षणा शक्ति है जो इंटेलेक्ट बोलते हैं वो आपके पास भी है मेरे पास भी है सबके पास है आपके पास इंटेलिजेंस जो बुद्धि बोलते वो भी है इसके अलावा हमारे पास कुछ है आत्मा के प्रयाण के लिए आत्मा को जानने के लिए इसके पास इसके अलावा हमारे पास कुछ है इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है हम इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है अब हम देखेंगे हमारे पास जो जो है उसमें हमें क्या कौन सा ऐसा टूल हमें चेतना अवस्था तक लेकर जा सकता है ये देखना पड़ेगा है ना हमारे पास बहुत सारे टूल्स होंगे अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो गार्डनिंग के लिए वो वो टूल्स चाहिए, वो चाहिए। आपके पास कार कार है, के गाड़ी हो तो गार्डनिंग नहीं कर सकते तो है। आपके हो कर सकते चेतना के लिए क्या आपको उपयोग हो सकता है वो चूज करना है अब देखते हैं हमारे पास क्या है बॉडी है अब बॉडी पंचभूतात्मक मींस ये सृष्टि का सृष्टि से निकला हुआ एक पदार्थ है इससे हम चेतना को पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते क्योंकि इस बॉडी ऑफशूट ऑफ दी आत्मा का एक ऑफशूट है जो प्रकृति उस प्रकृति का ऑफशूट है वहां से ये निकला ये डायरेक्टली चेतना के पास लेके नहीं जा सकता अच्छा फिर और क्या है हमारे पास हमारे पास मन है अब मन कैसा काम कर सकता है अब ये देखते देखिए मन में तो बहुत सारे विचार आते अब हमको ये देखना है मन में विचार कहां से आते हैं ये मन के पास उतना एनर्जी है उतना कैपेबिलिटी है वो अपना चेतना के साथ हमें जुड़ने का उसका कैपेसिटी है वो चेक करना लेट्स एक्सप्लोर दैट पॉइंट मन कैसा काम करता है जब तक उसके पास मेमोरी नहीं है मन काम कर ही नहीं सकता यहाँ पे मैं आप पूछना चाहूंगी कि आपने मेमोरी शब्द यूज किया तो मेमोरी इन द सेंस हमारे जो विचारों का बंडल है वो है या बुद्धि के लेवल पे है ये आपका पूरा एक्सपीरियंसेस है पुराना जो जितने भी एक्सपीरियंसेस है आपने अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया उसका एक एक्सपीरियंस है एक कॉन्शियस मेमोरी एक होता है इस जन्म के लिए हम ले किया है और एक होता है सब कॉन्शियस मेमोरी होता है जिसमें हम हमारे पूरा अभी तक हमने जितना भी हमने किया है जितने भी जन्मों का हमारे कार्य का जो फल का जो एक्सपीरियंस का एक इंप्रेशन हमने कैरी कर रहे हैं वो सारा वो मेमोरी में आता है जब तक मेमोरी नहीं है जब तक फॉर एग्जाम्पल शुगर का टेस्ट के बारे में अगर आप मन से पूछोगे जब तक वो शुगर टेस्ट नहीं करता है, तब तक उसके बारे में उसको पता नहीं है इसका मतलब जब तक उसको वो अनुभव नहीं होता माइंड उसको आपके सामने प्रस्तुत कर ही नहीं सकता या उसके साथ काम ही नहीं कर सकता अब चेतना के लिए हम जा रहे चेतना अवस्था को हम प्राप्त करने का प्रयास में है इसका मतलब उस अवस्था इस माइंड में नहीं है इसलिए हम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे अगर वो एक्सपीरियंस इस माइंड में होता है तो ये कुछ नहीं, नहीं आता तो माइंड कैन नॉट वर्क विदाउट प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस मेमोरी जो फील्ड है वो अगर उसमें नहीं है तो वो नहीं कर सकता ध्यान हम करते रहते हैं। वो हमें हाँ इतने सारे थॉट्स कहाँ से आते हैं वो सारे थॉट्स कहाँ से आते हैं हमारा संसार अपना फैमिली के बारे में अपने काम के बारे में अपने डिफरेंट डिफरेंट जो हम काम करते हैं उसी आउटपुट है थॉट्स। आपको अगर मैं बोलता हूं कि एक चाइनीज का यू नो लैंग्वेज आपके सामने रख देता हूं आप पढ़ पाओगे क्योंकि आपका मेमोरी में है नहीं उसका इसलिए वो बाहर नहीं निकलता इसलिए माइंड भी जब तक उसका मेमोरी में उस एक्सपीरियंस का चिप में नहीं आता वो माइंड आपको हेल्प नहीं कर पाएगा तो हमारे पास जो साधन है सारे मनुष्यों के पास बॉडी और माइंड आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे और तीसरा साधन क्या है इंटेलेक्ट है मींस आपको जो डीप में लेके जाने का जो कैपेसिटी है वो एक कैपेसिटी इंटेलेक्ट जो खोजने का जो शक्ति है वो शक्ति भी तभी काम करता है अगर आपके पास कुछ चीज है तो उसके ऊपर और अंदर जा जाके उसको निकाल के देख देखेगा वो भी नहीं है वो भी लेके नहीं जा सकते क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो है नहीं तो फिर क्या है हमारे पास हमारे पास इंटेलेक्ट है जो इंटेलिजेंस है जो बुद्धि हम बोलते हैं तो इस बुद्धि में क्या होता है हमारा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो बुद्धि ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है जब हम बॉडी और माइंड इन दोनों को चुप करवाते हैं जब हम ज्यादा फोकस ज्यादा एक्टिवेट करते हैं अपना बुद्धि को अपना इंटेलिजेंस को जब ऑटोमेटिकली इस इंटेलिजेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस उसका कनेक्ट ऑटोमेटिकली बुद्धि कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ होता है वो कंटिन्यूस होता है तब जाके आपको उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू कॉन्शियसनेस के बारे में आत्मा आत्मा स्वरूप के बारे में उसका गुण और उसका कैरेक्टर उन दोनों के बारे में पता चलेगा संपूर्ण नहीं उसका गुण और व्यवहार उसका एक्शन कैसा हो सकता है उसका गुण हमें पता चलेगा तो अभी आप देखिए जितने भी महापुरुष हैं वो सारे अल्टीमेटली आपको देते क्या है उस चेतना अवस्था उस चेतना के बारे में वो बताते हैं किस शब्दों में बताते हैं उसका गुणों के बारे में वो बताते हैं उसका कैरेक्टर के बारे में वो बताते हैं उसका व्यवहार के बारे में उस चेतना अवस्था का बताते बट वो अनंत है एक महापुरुष ने जो देखा है वो दूसरा महापुरुष भी वो देख सकता है बट वो किसी और दूसरा तरीके से देखता है तो अगर आप देखिए विष्णु शास्त्र नाम है उस गुणों को हजार तरीके से बताया गया वैसा ही ललिता शस्त्र नाम वैसा ही बाइबिल होगा जैसा ये सारे क्या है उस चेतना अवस्था का उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू उन गुणों का उनका व्यवहार का कैरेक्टर का रूपरेखाओं का वर्णन करते हैं सो दट अगर आप भी कभी उस चेतना अवस्था के माध्यम से जाओगे आपको भी कोई ना कोई गुण आपका कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के पास आके आपका अवेयरनेस में आएगा आप कौन हो अभी जो आत्मा है वो अवेयरनेस नहीं, नहीं।, नहीं है इसलिए वो भटक रहा है जब ये अवेयरनेस उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाता है थ्रू इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के साथ तब जाके चेतना के साथ जुड़ सकता है ये मार्ग है क्योंकि ये मार्ग अगर हम नहीं पकड़ेंगे हम हमेशा या तो बॉडी लेवल पे अवेयरनेस में रह जाते हैं माइंड लेवल पे अवेयरनेस में रहते रह जाते या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में मीन्स तर्क वितर्क में ही रह जाते उन तीनों के ऊपर परी जाके हमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को प्रेरणा करने के लिए इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को पकड़ना है उसके ऊपर हमारा अवेयरनेस को लेके जाना है तो इंडिविजुअल अवेयरनेस को अपना इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ के अगर आप देखोगे तब आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को पकड़ पाओगे फिर वहां से चेतना का अवस्था के पास पहुंचोगे ये है सिंपल थीरी अब उसके लिए कैसा करना है बॉडी लेवल से कैसे ऊपर जाना है माइंड लेवल से ऊपर कैसा जाना है किताबों से पढ़ के जो नॉलेज मिलता है उसे हम अनुभव में कैसे लेके आना है इन के लिए एक ही मार्ग है वो है आना पान सती प्राणायाम दूसरी बात पिरमिड का थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं अगर उसके नीचे बैठेंगे तो ये जो अवस्था है वो जल्दी आ सकता है बट कोर चीज क्या है आपको ध्यान ध्यान करना है ध्यान करने से बाकी प्रकृति में जितने भी आपके पास साधना है प्रकृति के साधना है वो आपको हेल्प कर सकता है उसके थ्रू आप उस चेतना अवस्था में जाने के लिए जल्दी कनेक्ट जल्दी, जल्दी, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा ये है फंडामेंटल जैसा कि हमने सुना आपसे अभी कि जब हम आ, बिल्कुल जीरो स्टेट में चले जाते हैं कोई थाट नहीं होती मन नहीं होता शरीर नहीं होता और हम एक अनुभव करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस और हायर लेवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं तो उसका ये तो हमारी फिजिकल स्टेट होती है बट उसके अनुभव को हम कैसे फील कर सकते हैं कैसे और गहराई से समझ सकते हैं वो जो स्थिति में पहुंचने के बाद आपको उसे शब्दों में लेके आने के लिए आप अगेन उसका गुणों के बारे में बता सकते हो या उसका कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो क्योंकि आप शब्द बोल रहे हो यानी तो आपका एनर्जी उतना हो जैसा आपका एनर्जी लेवल सबके पास चले जाएगा तो वो फील कर सकते वो एक तरीका है दैट्स ए डिफरेंट बट हम प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं क्योंकि कोई यू नो अद्भुत तरीके से वो सबको ज्ञान प्राप्त कर वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं अगर इंडिविजुअल को उस मार्ग में जाके उस उसे हासिल करना है तो उसे तब वो उसका समझ में तब आएगा अभी तक वो बहुत सारे गुणों के बारे में सुना होगा वो चेतना अवस्था के बारे में वो कोई ना कोई एक ऐसा गुण से वो कनेक्ट हो जाएंगे फिर उनको समझ में आ जाता है कि वो उस चेतना अवस्था में पहुंच गए या नहीं तो उस चेतना अवस्था हमेशा एवर एवॉल्विंग होता है वो हमेशा चेतना अवस्था तो हमेशा एवॉल्व होता ही रहता है तो हो सकता है आपका कॉन्शियसनेस भी उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के उस एवोल्यूशन में और बहते हुए आपको और भी नए चीज दिखेंगे आपको समझ में आ जाता है आई तो पुराना जो गुण आपने सुना होगा उसके साथ जुड़ेंगे यानी तो उस गुणों से भी परी एक नया विश्व रूप विश्व रूप संदर्शन का जो हम बात करते हैं उसमें से कोई ना कोई चीज आपको समझ में आता है एंड आपको पता चल जाता है कि आप उस स्थिति में हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंफ्यूजन पे नहीं होना चाहिए कि हम गए नहीं गए अगर आपका मन बोलता है आप उस स्थिति में गए तो गए

कॉस्मिक रूल्स आपको समझ में आएंगे कॉस्मिक प्ले समझ में आएगा फिर उन दोनों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका प्ले उस कॉस्मिक प्ले में क्या है कितना आप उस रोल में हो कौन कौन क्या प्ले कर रहा है वो इनिशियली सबका प्ले अलग अलग दिखेगा फिर बाद में आपको वो कॉस्मिक प्ले आपका ही प्ले दिखेगा वो कॉस्मिक रूल्स आप आप ही डिसाइड करेंगे वो कॉस्मिक रूल्स आपको दिख जाएंगे ये सारा आपको दिखता है अगर आपको क्रिकेट देख रहे हो तो आपको आप इमिडिएटली कनेक्ट कर सकते हो कि कॉस्मिक प्ले के साथ कॉस्मिक रूल्स के साथ वो कैसा कनेक्ट हो रहा है आप उस एंजॉयमेंट को देख सकते हो तो ये सारा जब साधना करते रहेंगे तो आपको एंजॉयमेंट फिजिकल लेवल पे भी दिखेगा आप वो कॉस्मिक रूल्स को भी देख पाएंगे कॉस्मिक प्ले को भी देख पाओगे आपका भी प्ले आपको समझ में आ जाएगा ये तो बहुत लंबा यू नो सब्जेक्ट uh, है वी कैन स्पेंड एटलीस्ट दो तीन घंटे इस सब्जेक्ट के ऊपर पर अभी इसमें सिंप्लिसिटी में हमें एक चीज जैसे समझ आ रही है जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि जब हम कनेक्ट हो जाते हैं हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ हो जाते हैं ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं बट हमेशा इसमें बने रहने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आसपास जो भी है चाहे वो पेड़ पौधे हैं जानवर हैं या कोई व्यक्ति हैं उन सब में भी उसी कॉन्शियसनेस को फील करें और सरेंडर भाव से कि की, की जो फीलिंग रहती है तो उसमें शायद हम अवस्था में भी हमेशा और ज्यादा इसको समझ पाएंगे बिल्कुल जिस हद तक मैंने समझाया तो सिचुएशंस आपने जो सिचुएशंस क्रिएट किया आप जिस जगह काम कर रहे हो आप जिस लोगों से नो मिलजुल के रह रहे हो वो सारा चीज उसी कॉस्मिक प्ले में उसी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का प्रयास है आपका उसमें हर क्षण उसके साथ आप जुड़ सकते हैं जुड़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई क्योंकि एज ए ले कोई भी समझना चाहेगा तो उसके लिए यही है कि अवेयरनेस रखने कि मेरे चारों तरफ जो है वही एनर्जीज हैं उसी में ही मैंने मैं भी एक रोल प्ले कर रहा हूँ बहुत अच्छा नागेश जी अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके अगले अनुभव के लिए कि मृत्यु क्या है या जैसा समझा उस बारे में हम समझना चाहते अभी हम डेथ के बारे में बात करने से पहले मृत्यु के बारे में बात करने से पहले हम दोबारा एक बार अपना आत्मा आत्मा का अनुभूति के बारे में अभी हमने बात किया अगर वो बात करते हुए फिर हम डेथ के पास आएंगे या मृत्यु के पास मृत्यु के पास क्यों आ रहे हैं मृत्यु है क्या है किस लेवल पे है आत्मा लेवल पे तो मृत्यु नहीं है तो किस लेवल पे मृत्यु है इस बॉडी का मृत्यु हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इस बॉडी में इतना नेगेटिविटी हमने भरा दिया एक केमिकल सूप है बॉडी इज नथिंग बट केमिकल सूप अगर इसमें हमेशा पॉजिटिवनेस आप देखते जाएंगे देते जाएंगे तो ये बॉडी हजारों साल रह सकता है ये डेथ का कोई मतलब नहीं मृत्यु तो है नहीं इसका क्योंकि ये एक केमिकल कंपोजिशन है हमें पता है हिमालयास में बहुत सारे साधु महापुरुष है हजारों साल से इसी बॉडी के साथ रह रहे वो कैसा पॉसिबल हुआ क्योंकि इस बॉडी का डिटीरिएशन या मृत्यु क्यों होता है जब हम इसमें नेगेटिविटी भर देंगे नेगेटिविटी कहां से आ रहा है मन से आ रहा मन क्यों ले रहा नेगेटिविटी क्योंकि जब मन अपने आत्मा स्थिति को भूल जाता है मींस वो अपना उस आत्मा से छोड़कर हम लेकर आ जाएंगे अपना मन के पास अब मन क्या करता है अब उसके पास जो मेमोरी चिप में जो इंफॉर्मेशन है उसी को बार बार रिसाइकिल करते हुए अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को ऐड करते हुए वो एक नया एक सोच क्रिएट करता है एक नया थॉट क्रिएट करता है उस थॉट क्या करता है आपको अंदर से आपका हार्मोन्स है उसको ट्रिगर करता है उस ट्रिगर करने के बाद अगर आपका नेगेटिव थॉट्स है, तो नेगेटिव हार्मोन्स सीक्रेट होता है अगर आपका थॉट पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है तो, तो बॉडी अपने आप तो कुछ ना कर रहा है जो भी कर रहा है मन कर रहा है मन के कारण की वजह से ये बॉडी डेथ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है ये मन बार-बार वो नेगेटिव एनर्जीज को क्यों रिलीज करता है क्योंकि वो अपने अंदर जो मेमोरी है उस मेमोरी चिप से बार-बार उसे कनेक्ट कर रहा है एंड वो उस कनेक्शन को कट नहीं कर पा रहा इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी बार-बार आके इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है अगर आप उस सिस्टम को पकड़ लो जो माइंड वो जो मेमोरी चिप के पास जाके जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है या उसको पकड़ रहा है उसे बंद करने का रास्ता अगर खोजोगे तब आपका माइंड में हमेशा पॉजिटिवनेस ही रहेगा क्योंकि आप अपना बुद्धि से कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने के बाद आपको पॉजिटिवनेस बढ़ेगा तब आपके अंदर जो नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्युएशन जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा तब डेथ का जरूरत नहीं है डेथ का जरूरत इसलिए जरूरत है कि आपका मन हमेशा वो जो नेगेटिविटी में पड़ा रहा है या इंडिविजुअल जो नेगेटिविटी में पड़ा रहता है उसको फिर मुक्ति चाहिए मुक्ति कैसा आएगा जब तक इस बॉडी को छोड़ के नहीं जाएंगे अगला जन्म लेंगे फिर फिर वो क्या होगा ये पुराना जो थॉट्स खत्म हो जाएंगे नए सिलसिले से वो अपना यात्रा शुरू कर सके इसलिए डेथ लेते अदरवाइज डेथ लेने का जरूरत नहीं है और जैसे कि आपने अभी कहा कि हम जब अपने जो हमारे विचार हैं जो ऑलरेडी बार 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 इंटरेक्ट होते हैं अगर हम इनको ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ लें तो ख़त्म करने का आ, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रास्ता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और हम आ, अपने कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं तो वही उसको ख़त्म करने का रास्ता बिल्कुल है। बहुत ही अच्छा तो नागेश जी अभी हम आ, आप कि पिछले उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं एक चीज कि आपके पास एक था कि आपके पास स्पिरिचुअल थी ठीक है क्योंकि जितने भी लोग बढ़ते हैं इस रास्ते पे उनके पास पासो होती है बट उनको पता नहीं चलता तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वो स्पिरिचुअल ईगो कैसे और कब खत्म हुई बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा मैम ये होता है जब तक आपको वो जो नया तरीका नहीं मिलता है आपका साधना मार्ग में जैसा मेरे केस में जब तक मैं आना पाना सती में नहीं आया या पिरामिड के साथ नहीं जुड़ा या पत्रिसर से नहीं जुड़ा जब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया वो मेरा लिमिटेशन मैंने रखा होगा आई डोंट नो उतना मैं सोचता नहीं है क्योंकि जो हो चुका है उसके ऊपर मैं जाता नहीं है जो हो चुका है अच्छा उसको पकड़ के उसमें जाना चाहिए जब मैं ध्यान किया था तब बहुत सारे चीज़ जो मैंने पढ़ा था वो मेरा अनुभव में आ चुके हैं जो पढ़ जो मैंने पढ़ के जो मैंने था वो फिर मेरा ध्यान में मेरा वो अनुभव होता है इंडिविजुअल सोल का जो अनुभव है ध्यान में ही हो जाते हैं तब वो आप कनेक्ट कर पाते वो हो वो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है ज्ञान से विज्ञान माय कोश में चले जाते हैं आप विज्ञान में आप वो परिवर्तित हो जाता है तब आपका जो अहंकार है वो अपने आप मिट जाता है दग्ध कर्माणम आप पहले जो जितने भी आपने कर्म किया या ये जो हम भाव है जो भी है जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तब अपने आप वो मिट जाता है तब मैं समझ मुझे पहले से पता था मैं अहंकार में हूँ अब वो अहंकार को भी मैंने मिटा लिया जब ध्यान किया और सबसे मिला पर्टिकुलरली फिर पत्री सर से है ना वसंता मैम के घर में बैठ के उनसे बात कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल रहा था तब तो अहंकार वैसे भी खत्म हो गया तो आपको आ, मतलब ये अनुभव में आ गया कि जो गया गया। पहले चीज थी आज मेरे पास नहीं है मैं आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहा हूँ अच्छा किसी खे? को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ये एक आपका अनुभव हो गया कि जो मेरे पास पहले स्परिचुअल ईगो थी वो इस तरीके से खत्म हो गई या अब मेरे को ये समझ उनका जर्नी अलग है मेरा जर्नी अलग है उनका सीखे अलग है मेरे से ख्याल है अगर मुझे कुछ उनको सपोर्ट करना है तो करूंगा अगर वो मेरे को सपोर्ट करना चाहे तो करेंगे ये वेरी क्रिस्टल क्लियर कोई भी नहीं है मेरे से भी बहुत ज्यादा महात्मा पुरुष है जो लोग जानकर रखते हैं ये सारे मेरे को समझ में आ गए इसलिए अब किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं वो वो चीज खत्म खत्म हो गया ठीक है तो आगे हम फिर और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हमें समझ आ सके तो आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ क्या इंपॉर्टेंट रखती है अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं या देखते हैं पास्ट लाइफ को तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ और आपका क्या अनुभव है पास्ट लाइफ के बारे में मैम ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तो पास्ट लाइफ होते हैं डेफिनेटली होते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है और दूसरा उसको सब लोग देखने की जरूरत नहीं है अगर देखना है तो अगेन आपको इस जन्म में आपका फ्री विल यूज करना पड़ेगा इसका मतलब यू आर वेस्टिंग समथिंग यू कैन यूज इट फॉर समथिंग बेटर अच्छा चीजों के लिए और आगे बढ़ने का जो कार्यक्रम है उसमें यूज कर सकते हो बट आप अभी ऐसा क्यों हो इसको देखने के लिए आप पुराना जन्मों को देखना चाहते हो विच इज नथिंग रॉन्ग अगर आपका मन इतना विचलित है इतना आप परेशान हो देख सकते हो बट आप ये समझो आप इधर इसलिए है कुछ कारण की वजह से है आपका सोल प्लान के ऊपर काम करो आपका सोल जर्नी के ऊपर काम करो तब आपका एनर्जी उसके ऊपर जल्दी काम करेगा अगर आप मैं क्यों हूं ऐसा अगर उसमें अटक जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पास लेव को देखना पड़ेगा बट उससे आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो सेकंड स्टेज है बट मेरे केस में अगर मैं देखूंगा तो मैंने कभी कोशिश नहीं किया बट वो अपने आप मेरे लिए प्रस्तुत हो चुका है आई है एक तो किसी यू नो अरब कंट्रीज में मैं एक यू नो वॉरियर रूप में देखा था बिकॉज मैं ज्यादा उसके बारे में समझने का कोशिश नहीं किया बस वो मेरे को आ गया देख लिया आई एम हैप्पी एक माउंट कैलाश में कैलाश के अंदर बहुत सारे गुहा हैं। उस गुहाओं में मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा था कितने साल किया था मुझे पता नहीं है आई कैन सी शिव जी ऊपर ऊपर बैठ के वो तांडव कर रहे थे उस अवतार उस यू नो पूर्व जन्म का भी मैंने देखा था वैसा और एक भी देखा था बट मुझे उन चीज़ों उनसे रिस्पेक्ट है मैंने देख लिया अच्छी बात है बट उतना ही है उसके अलावा मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि मैं अभी क्या करना है अभी मेरा चेतनावस्था किस लेवल पे है मैं और क्या कर सकता हूँ उसमें ज़्यादा काम करता हूँ बहुत अच्छा कि ऐसा बहुत से हमारे दर्शक भी होंगे या जिनके पास हमेशा ऐसा रहता है कि उनको कोई उनकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है या परिस्थितियाँ ऐसी हैं उनके परिवार की तो वो सोचते हैं कि हम पास्ट लाइफ ले देख लेंगे तो शायद हमारा अच्छा हो जाएगा या हमें समझ आ जाएगी पर अल्टीमेट क्या है अल्टीमेट तो शायद मुझे जैसा लगता है कि जो भी परिस्थिति है अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और उससे जो सीख सीख लेनी है सीख लेके आगे बढ़ते हैं तो स्वीकार तो जब हम पास ले देख लेते हैं तब भी करनी पड़ेगी हमें और अभी अगर हम उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं तो टाइम वेस्टेज नहीं है एनर्जी वेस्ट नहीं एनर्जी वेस्ट नहीं होती और हम अपनी प्रोग्रेस के लिए अगर दूसरा रास्ता एडॉप्ट कर लेते हैं तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ मैं मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है इसके ऊपर तो जैसा कि आप के और अनुभव जानना चाहेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव कि आप अभी तक इंडिया में ही थे ठीक है उसके बाद आपकी जर्नी लंदन में भी हुई मिडिल ईस्ट में भी हुआ था हाँ और साथ में आप सिंगापुर भी आपके अनुभव है तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आया और बाकी लोगों को भी वो उपयोग हो सकता है जब हम इस दुनिया में आते हैं हम कुछ प्लान बना के आते हैं वो सबको पता है एटलीस्ट इस यू नो स्पिरिचुअल मार्ग में जो भी आ जाता है उनको ये समझ में आता है कि नो जन्म पुनर्जन्म होता है हमारा प्लान होता है यू नो संचित कर्म होता है वहां से कुछ लेके आता है सारा हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो सबको होता है बट इधर आने के बाद हम भूल जाते हैं उस भूल को कैसा हम उस भूल भूले या से हम बाहर कैसा निकलना है गेम ये है तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं आप सिंगापुर जाना चाहते हो देखने के लिए आप क्या करते हो फर्स्ट एक ट्रैवल एजेंट को कॉल करते हो आप अपना जो इच्छा है जाहिर करते हो इधर जाना चाहते हो और फिर बोलता है कि सर आपका बजट क्या है कितने दिन रहना चाहते हो क्या क्या अनुभव करना चाहते हो जैसा हम सोल प्लान बनाने के लिए हमारे मास्टर्स के साथ बैठते हैं वैसे इसके साथ बैठते हैं वो सारा आपको ऑप्शन दे, दे देता है फिर वो बोलता है कि सर ठीक है एयर टिकट का इतना है उधर रहने का इतना है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है लंच इंक्लूडेड है डिनर इंक्लूडेड है लोकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है आपको जो जो देखना है वो सारा हमने प्लान कर दिया ये है सर आपका आइटनरी इसमें आपको कुछ नहीं करना बस अपना कपड़े पकड़ो एयरपोर्ट जाओ एयरपोर्ट ट्रांसफर भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया ये पूरा एग्री हो जाते हैं एंड एग्री करने के बाद बोलता है सर यूर ओके ना प्लान सब कुछ हो गया तो वो बोलता है हो गया बोलता है सर इसका है ना एक लाख पचास हजार जो भी है वो बोलता है आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो खत्म हो गया फिर आपका डेट आ जाता है फिर डेट आने के बाद आप एयरपोर्ट जाते हो सब कुछ चेकिंग हो गया फ्लाइट में बैठ जाते हो बैठने के बाद गलती से किसी ने ऊपर जो सामान रखने की जगह है उस जगह से कुछ निकालते हुए आप उस बंदे का सिर के ऊपर कुछ गिर गया समझो इतना जोर से लगा उसको झटका उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया वो भूल गया वो भूल गया कि उस फ्लाइट में क्यों बैठा बट बैठा है ओके okay? अब उसका सामान किधर रखा है वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा भूल गया सब कुछ अब फ्लाइट तो निकल चुकी है सिंगापुर पहुंच गया सब लोग उतरे तो वो भी आ गया बाहर अब बाहर आने के बाद उसको पता नहीं है कि वो क्यों है उधर क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गया लग गए ना चोट लग गया वो भूल गया भूलने के बाद फिर बाहर आ गया उसके पास आइटनरी भी नहीं है कुछ नहीं है अब उसका फिर वो धीरे धीरे बाहर आ गया बाहर आते फिर उसका उसका नाम से एक बोर्ड पकड़ा उसको नाम भी याद नहीं है बट वो जो बोर्ड पकड़ा है उसके पास इसका फोटो उसको ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि ये बंदा आएगा आप उसको यहां से पिकअप करके होटल लेके जाना है वो ट्रांसफर वाला उसको पता है कि ये इसी को लेके जाना है ये देख रहा है उधर उधर समझ नहीं पा रहा क्या करना है फिर वो देख लिया उसको सर आ जाओ जो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं फिर वो क्या करता है इसको लेके जाता है होटल लेके जाता है क्योंकि होटल किधर जाना पता है ना उधर जाता है फिर जाने के बाद फिर वहाँ काउंटर पे जाता है फिर काउंटर में फिर जब तक इसको समझ में आ गया मेरा नाम ये बोल रहा है इसका मतलब शायद मेरा नाम ये होगा फिर रिसेप्शन में जाता है फिर वो जाके रिसेप्शन में अपना नाम बताता है मिस बताता है वो ड्राइवर के साथ समझ में आ जाता है फिर इसको होटल रूम अलॉट हो जाता है फिर उसको होटल में लेके जाते हैं तो फिर उसको कहीं ना कहीं उसका अरेंज कही कही कर देते। इधर भी का। तो सामान भी आ गया उस रूम से फिर कॉल आता है सर आपका डिनर रेडी है सोन सो सु टाइम पर आप आ जाइए फिर वो डिनर करने चले जाता है फिर डिनर होने के बाद उसको बोलता है कि सर सुबह सुबह आपको ना सात बजे ब्रेकफास्ट है उसके बाद आपको ना लोकल साइट सींग के लिए एक गाड़ी आ जाएगी उसमें बैठ काम काम ऐसा कोई नहीं है कि जो प्लान नहीं किया उधर बैठ गया फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया फिर कार में बैठा सिंगापुर लोकल साइट सींग के लिए चला गया फिर वहां साइट सींग करते करते दो तीन बजे के बाद उसको वोचस मिलते हैं लंच का वोचर, वो लंच जिस जगह खाना खा लिया फिर वहाँ जाके ड्राइवर ने बोला सर आपके अभी ना तीन चार घंटे फ्री टाइम है आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ यानी तो यू नो इधर जाइए आप वेर एवर यू वॉन्ट टू गो इंडिया टाउन जो भी है वो सारा जाके देख लो जो भी है वो बोलता है फिर वो जाके घूम के आता है फिर शाम को पाँच बजे आता है उसको पिकअप करते हैं होटल में लेके जाता है फिर ये रूटीन चल रहा है अब देखिए इसमें यहां सिंगापुर जाने के बाद उसको जो प्लान के हिसाब से जो जो होना है सब कुछ हो रहा है उसको अलग से उधर पैसा कमा के देने का जरूरत नहीं है एवरीथिंग इज प्लेड सारा होने के बाद फिर वो इंडिया भी आ जाता है रिटर्न हो जाता है ना लास्ट अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम सोल जर्नी के साथ जोड़ सकते हैं जोड़ के देखना चाहते हैं तो देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारा भी एग्जैक्ट ऐसा ही प्लानिंग होगा आपको इधर आके अलग से पैसा कमा के उसको पे करने की जरूरत नहीं है आपने सारा प्लान किया है इधर आ चुके हैं आपको उस इंसिडेंट्स में जो एक्सपीरियंस पाना है पाना है और पैसा तो ऑलरेडी पेड है आपको अलग से उसको कमा के पे करने की जरूरत नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका रूटीन में जो बनता जाएगा वहीं से वो एनर्जी बनेगा उसका पेमेंट भी होगा उसका सब कुछ होगा बट हम अटक जाते हैं कि एक कैसा होगा अगला दिन कैसा होगा अगला सिचुएशन कैसा होगा मेरा फैमिली हो क्या हो वो क्या होगा वो क्या होगा अरे भाई आपका प्लान है उस सिचुएशन से जो आपको सीखना है वो सीखो और जो फ्री टाइम है वैसे तो मैं मानता हूं कि नाइनटी अगर हम इस दुनिया में आ रहे हैं तो नाइन्टी फ्री टाइम ही होता है इंसिडेंट्स तो छोटे छोटे होते हैं एक शादी का एक इंसिडेंट एक बर्थ होने के बाद एक यही होता है ना स्कूल जाने के एक इंसिडेंट अगर कोई ये छोटे छोटे चोड़। वो इंसिडेंट से जो सीख रहे वो हम कितना टाइम हम टीवी देखते हैं कितना टाइम हम टाइम वेस्ट करते हैं वो सारा फ्री टाइम ही तो है वो फ्री विल का ही टाइम है हम उधर वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा नाइन्टी तो हमारा फ्री विल ही है हम जो वेस्ट कर रहे हैं वो टेन जो है वो पुराना जो प्रारब्ध कर्म इधर लेके आते हैं उसका हम भुगत रहे हैं बट अदरवाइज हमारे पास जो फ्री विल है वो सारा हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये समझना है जैसा आपका ट्रेवल टू एनी डेस्टिनेशन लिए जैसा प्लान होता है आपका भी वैसा ही आपका सोल जर्नी सोल प्लान में होता है उसको समझना है उसको एंजॉय करना है आगे बढ़ना है जिसको हम प्रेजेंट मोमेंट शब्द यूज करते हैं ठीक है तो अगर हम जैसे आपने एग्जांपल जो दिया उसमें वो बंदा सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही था उसको Bilkul. अपना पास्ट मेमोरी नहीं थी फ्यूचर की कोई मेमोरी नहीं थी जो हो रहा है उस फ्लो के साथ वो चल रहा था Bilkul. तो इसी तरीके से हम अपने जीवन की भी सोल प्लानिंग के साथ जो ऑलरेडी प्लैंड है उसके साथ बहते रहे चलते रहे तो Bilkul. आगे आपका सुनते हैं लंदन का जो आपका अनुभव है उसके बारे में सो so, मैम लंदन का अगर मैं बताऊं तो अचानक एक बार ऑफिस से एक कॉल आया था मुझे सर मैं हम आपको लंदन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उधर काम करने के लिए मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया कुछ नहीं किया वो नेचुरली आ चुका है बट जब भी ऐसा कुछ आता है हम पत्र सर से यू नो मिलते हैं उनसे बात करते फिर यू नो उनसे फिर राय लेते क्या सर क्या करना है तो पत्री सर से मैंने मिला बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पर वहाँ गए थे तो मिला तो फिर पत्र सर से पूछा सर ऐसा है तो फिर उन्होंने बोला यस जाना है काम बहुत है उधर करना है ठीक है फिर परमिशन मिल गया तो फिर उनके साथ ही बाकी लोग हम हनु श्रीनिवास उनका फैमिली बहुत सारे लोग थे उधर लोकल आ, तो उनके साथ बैठ के उनके आसपास बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे तो इमीडिएटली मेरे को मैसेज आया था कि लंडन में आपको ग्रुप मेडिटेशन करना है एक पार्क में और प्रचार करना है उसका नाम मुझे पता नहीं था बट समथिंग लाइक सेंट्रल पार्क होता है जिसमें प्रिंसेस डायना ने चला था उनका एक मेमोरियल भी उधर बना के रखा है बस इतना ही मैसेज आया था चलो ठीक है पत्री सर से बोला था सर ऐसा कुछ हाँ यस वो तो तब उनका तबियत यू नो आ, बात नहीं कर रहे थे ज़्यादा तो ये सर ऐसा अपना इशारों से बोल दिया तो सब समझ में आ गया तो आई वेंट देर वहाँ जाने के बाद फिर हम मुझे पता नहीं कौन सा पार्क है वो जो करने वाला हमें तो पता नहीं है ना कुछ तो इंडिकेटर्स है डायना का वो सारा आ रहा था तो फिर जाके हम बहुत सारे पार्क हम देख रहे थे तो अचानक एक बार मुझे एक वीडियो आया था उसको बोलते स्पीकर का एक वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है उसका नाम है हाइड पार्क उसमें हर संडे लोग उधर जाके अपने राय व्यक्त कर सकते हैं जो भी राय हो वो एक जगह है वो ऑफिशियली अलाउड है तो उससे बेटर प्लेस तो नहीं हो सकता हमारे लिए तो ध्यान प्रचार करना और ध्यान करने के लिए तो फिर मैं उधर चला गया बट और एक कंडीशन तो है वहाँ दयाना का भी होना चाहिए फिर वो बहुत बड़ा पार्क है फिर हम खोजा है किधर है किधर है तो एक पीछे एक जगह डायना जिस जगह चल के गई थी उधर वो जगह था उनके लिए एक स्मारक भी बना हुआ था तो समझ में आ गया यही पार्क है फिर जब तक बहुत सारे लोगों से मेरा मुलाकात हो गया उधर लोकल मास्टर्स के साथ फिर मैं उनको बताया था फिर जे के सर भी आए थे तब उधर तो उनके साथ भी बात किया था फिर सब लोग हमने मिल फिर एक डिसाइड किया था फेबरुअरी में इस साल फेबरुअरी में फर्स्ट टाइम हमने उधर एक ग्रुप मेडिटेशन एंड प्रचार करने के लिए हमने स्टार्ट किया था पहली बार हमने जब प्लान किया था हमारे मास्टर्स खुद अराउंड पचास लोग आ गए थे पचास साठ लोग उधर पहुंच गए थे पूरा इंग्लैंड से पचास साठ लोग इंग्लैंड में और लंदन में एक जगह आना जिस जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा अपने गाड़ी में नहीं जा सकते उधर उतना महंगा होता है उधर हर चीज़ तो साठ लोग आना बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस दिन हमने ढाई लोगों को हमने पैम्पलेट्स यू नो शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उस पार्क में और एटलीस्ट बीस पच्चीस लोगों को हमने ध्यान सिखाया लोकल जो भी है उधर वो सिलसिला हमने स्टार्ट किया उसके बाद वो अभी तक हर मंथ लास्ट संडे ऑफ द मंथ ये ग्रुप मेडिटेशन और ये प्रचार चलता रहा है ये है वो लंदन वाला हमारा एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगा उसके बाद तो लंदन में लंदन के अलावा बहुत सारे जगह भी हमने नो प्रचार करने के लिए जाते थे, बहुत सारे मास्टर्स के साथ मिलते थे बहुत सारे मास्टर्स के घरों में ध्यान करते तो ये ये बहुत अच्छा है जी, अभी इस प्रचार प्रसार के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि वो होना चाहिए कि जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं स्वाध्याय करते हैं तो उसमें जो ये तीसरी चीज भी जोड़ी हुई है ध्यान करना चाहिए ध्यान के साथ सज्जन सांगत्य स्वाध्याय होना चाहिए तो आपके लिए आपके अनुभव के हिसाब से ये क्या इम्पोर्टेंस है ध्यान की इसमें जब हम सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय है करते हैं मैम ये तीनों चीज इम्पोर्टेंट है बट उसका मात्रा आपका जर्नी के अनुसार कभी कभी ध्यान ज़्यादा होगा कभी कभी सज्जन सांगत ज़्यादा होगा कभी कभी पुस्तक पठन ज़्यादा होगा तो ये आपको अंदर से सेंस करना मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जितना आप जुड़ के रह सकते हो ये जो वेरिएशंस को आप जल्दी समझ पाते हो और उसको अच्छा सा इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो ये हमारा अवेयरनेस हमेशा कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने का थ्रू आवर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस तब हमें ये वेरिएशन समझ में आ जाते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो ध्यान जैसा हम उधर यू नो हाँ, बोस्निया भी गए थे उधर पिरामिड में मेडिटेशन करने के लिए और उधर यूरोप से हम सोलह लोग गए थे उधर मेडिटेशन करने के लिए सो so, वो इंपॉर्टेंट है वो, वैसे उधर यू नो सैम से भी मिले थे सैम से हम एवरी डे दो तीन घंटे स्पेंड करते थे उधर तो जब आप जाते हो ये ऑटोमेटिक हो जाता है ध्यान करने के लिए भी गए और सज्जन संग सैम के साथ भी हो गया हमारा सोलह लोगों के साथ वो भी हो गया

तो वो करो वो ये आपको समझ में आ जाता है उस समझ और समझने का सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है यूनिवर्सल right. 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 कॉन्शियसनेस तो हमें जो रास्ता दिखाई दे रहा है एक्चुअल में हम उसके साथ जुड़ जाए बिल्कुल बिल्कुल yeah. तो आपकी जर्नी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे एनर्जी पॉइंट्स है तो उसका क्या महत्व है और कभी हमें समय मिलता है या कुछ है तो हमें उन एनर्जी पॉइंट्स में जाना भी चाहिए तो आपकी क्या राय है सो अभी लंदन में में विंटर में क्या होता है और ठंड ज्यादा बढ़ जाता है तो तब हम हाइड पार्क में जा सकते हैं नहीं जा सकते अभी हमें पता नहीं है इसलिए मेरे को ये लगता है कि जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे को उस, उस एरिया का एनर्जी मेरे को समझ में आ जाता मैं कनेक्ट कर लेता हूँ तो एक ऐसा जगह है लंदन में ही उसको सेंट पॉल कैथेड्रल बोलते हैं ये सारे कैथेड्रल चर्चे से सारा उस महापुरुषों का एक अच्छा एक विचार के ना अनुसार वो बनाया गया तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा होगा तो मैं उधर जाके मेडिटेशन किया था तो मेरे को इमीडिएटली समझ में आ गया उधर वेरी हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी है तो फिर मैंने मेरे साथियों को बोला था उधर लंडन में देखो जब अगर हाइड पार्क में जो विंटर में नहीं कर पाएंगे कोई भी कारण क्योंकि स्नो भी गिर सकता है ठंड भी हो सकता है लोग आ भी नहीं सकते बारिश भी हो सकता है विंटर के टाइम पर नेक्स्ट दो तीन महीने में तब आप इधर सेंट पॉल में जाके आप ध्यान करिए उधर भी उतना ही एनर्जी है जितना हम चाहते हैं स्प्रेड कर सकते हैं ये वैसे है हमने ग्लास्टनबरी भी गए थे उधर यूनिवर्स का हार्ट चक्र बोलते हैं उधर उधर भी जाके हमने मेडिटेशन किया था जैसा उधर गए तो वो एनर्जी यू कैन फील इट वो जबरदस्त आपको खींच लेता है जो भी मेडिटेशन में होता है उसको समझ में आ जाता है तो ये सारे एनर्जी स्पॉट्स है यूके में भी बहुत सारे हैं ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में है ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया में हर जगह एनर्जी स्पॉट्स होते हैं आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि हम प्रचार करने के के मोड मोड पे पे आ के के पे आ गए गए सबको लेके जाने तो एक तो ध्यान करते हुए उस एनर्जी स्पॉट में लेके जाएंगे उनको तो उनको बहुत जल्दी उस अवस्था में लेके जाने का एक अवसर मिलेगा अच्छा सा वो लोग आगे बढ़ेंगे आगे। वो एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं एनर्जी पॉइंट्स को मैं देखता हूँ नागेश जी हमने बहुत कुछ जाना समझा अब हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जो संदेश है आपका वो जानना चाहते हैं मैं इस रास्ते में आने के बाद मुझे ये समझ में आया पत्रिसन सर ने एक एक बात बताया पी एस एस एम का मकसद ये ही है स्पिरिचुअल एजुकेशन टू एवरी वन ट्वेंटी नाइन्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी सर ने एक संदेश दिया था लॉकडाउन संदेश में वो स्पिरिचुअल एजुकेशन सबके लिए उसने उस, उस दिन में पत्री सर ने छह चीजों के बारे में बताया था दो सिद्धांत के बारे में बताया था दो नहीं चार नियमों के बारे में बताया था तो हम सारे मैं तो ये चाहता हूं सब लोग लॉकडाउन संदेश का किताब जरूर पढ़िए पत्री सर का सोल है वो एलॉन्ग विद तुलसी दलम की किताबों के साथ हम बहुत सारी किताब तो पढ़ते हैं बाकी मास्टर्स का बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको पढ़ना है सर का जो खुद का जो नॉलेज उन्होंने निक्षिप्त कर दिया जो तुलसी दलम एंड यू नो लॉकडाउन संदेश ऐसे किताबों को जरूर पढ़िए उसमें उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया जो एनर्जी हमें दिया क्योंकि हम तो ध्यान तो कर ही रहे पिरामिड में कर रहे हैं और सज्जन संगत भी कर रहे हैं बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो बुक्स पढ़ रहे तो ये भी बुक्स पढ़ना है और उस सारे चीज़ों को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है सबके साथ शेयर भी करना है और शेयर इसलिए करना है कि आप जो अनुभव कर रहे हो जो आनंद आप ले रहे हो वो आनंद सबके साथ शेयर करने के लिए करना है उसके अलावा और कोई काम नहीं है और बाकी आपका सोल जर्नी परफेक्ट होगा उसमें आपको सोचने का जरूरत नहीं है इट विल हैपन एग्जैक्टली एज पर यूर प्लान आप उसको एन्जॉय करना है वो राइड है इट्स जॉय राइड है इस लाइफ उसको एंजॉय करिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद श्री नागेश जी Uh, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तो आपसे आज्ञा चाहते हैं धन्यवाद थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी मुझे ये अवसर देने के लिए पीएमसी को मैं बहुत आभारी हूँ और पत्री सर का ये अनोखा क्रिएशन आगे बढ़ते चले सबको आनंद दे थैंक यू दर्शकों हमने जर्नी के माध्यम से बहुत कुछ समझ लिया जान लिया अभी मेरे बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है क्योंकि जर्नी में ही सब कुछ था तो हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए पिरामिड मास्टर्स के साथ तब तक के लिए आज्ञा धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने